NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने 2012 बैच के IAS संजीव कुमार और उनके परिवार के बारे में कई आरोप लगाए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश रिजवान ने IAS की मां को लेकर भी कुछ बातें कही हैं. दरअसल भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को झेल रहे 2012 बैच के IAS संजीव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. एक तरफ जहां उनके ऊपर सरकार के आदेश पर भू माफियाओं के साथ साथ गांठ कर भोजपुर में चर्च और वॉक बोर्ड की जमीन को अवैध तरीके से बेचने के मामले में जांच चल रही है, दूसरी तरफ आरा न्यायालय में उनके और उनके पिता यादव पर हत्या का प्रयास, अपहरण का प्रयास, लूटपाट सहित कई धाराओं में मुकदमा भी शुरू हो गया है. आरा कोर्ट में संजीव कुमार पर लगे एक आपराधिक मामले के गवाही के दौरान हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने उनके परिवार को लेकर गंभीर बयान दर्ज करवाया है. दानिश रिजवान ने कोर्ट में कहा कि IAS संजीव कुमार के परिवार का अपराध और अपराधियों से पुराना रिश्ता रहा है. उनके दादा जय हिंद यादव और पिता चंद्रिका यादव पर भी कई तरह के मामले चल रहे हैं. फिलहाल IAS संजीव कुमार पर लगाए गए दानिश रिजवान के आरोपों की सत्यता की पुष्टि सिटी पोस्ट लाइव नहीं करता है. यह पूरी खबर रिजवान के आरोपों पर आधारित है और आरोपों पर संजीव कुमार का पक्ष सामने नहीं आया है. कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगर टोली चौराहा पटना. यहाँ पढ़ते हैं भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल. गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए. क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा. अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222. सॉफ्टवेयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स.